तब्दीली सरकार ने रात की तारीखी में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, नई कीमत 145 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोल के बाद आवाम पर बिजली भी गिरा दी, 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफा। इत्तला की इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। 3 माह में तेल की कीमतें दुगनी हो गईं। चीनी की कीमतें सिंध में शुगर मिल्स की वजह से बढ़ी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई की वजह बता दी, बोले आवाम को महंगाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 30 साल में 2 खानदान अमीर हो गए और मुल्क पीछे चला गया। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने हर हद पार कर दी, पेट्रोल महंगा करना जालिमाना और गरीब कश इकदाम है, शहबाज शरीफ की तनकीद। शाहिद काका नवासी कहते हैं, इलेक्शन चुराए जाएं तो महंगाई बढ़ती है, मसाइल का हल फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। एहसन इकबाल कहते हैं, बदतरीन महंगाई और ना अहली हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। महंगाई ने ऐवान बाला और जेरी में आग लगा दी, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और वॉकआउट। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है, एक दिन रिलीफ पैकेज देकर दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा दिया। सेनेट में भी गर्मा गर्मी रही, पीपल्स पार्टी का कीमतों में इजाफा वापस देने का मुतालबा। शहजाद वसीम ने कहा कि माल मसरूखा लंदन ना जाता तो रिलीफ देते। हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली अपनाने की तैयारी, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन कयादत से मुशावरत शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो समेत कई सियासी जमातों के रहनुमाओं से रابطे, महंगाई और नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज पर इत्तेफाक। चीनी का जखीरा 22 दिन के लिए काफी है, कीमतों में इजाफा स्ट्रे की वजह से हुआ। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली की हैं। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज नहीं की, अब क्रशिंग भी नहीं कर रही। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, वजीर तहफ्फुज बराए खुराक फखर इमाम ने कहा कि चीनी का मस्नू बहरान पैदा करके आम आदमी से नाजायज फायदा कमाया जा रहा है। पंजाब में चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज, रहीम यार खान में 6,757 मैट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई। लाहौर में 100 किलो, सरगोदा में 480 और साहिवाल में 960 थैले बरामद किए गए। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अफगान अमन अमल, पाक चीन दो तरफा तालुकात के मजीद फरोग के इकदाम पर गुफ्तगु, खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मुश्तरक काविशों की अशद जरूरत है, आर्मी चीफ की गुफ्तगु। कराची निजी स्कूल के खवातीन वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, FIA साइबर क्राइम ने नोटिस ले लिया। टीम का स्कूल का दौरा, खुफिया कैमरों का जायजा लिया। NA-75-10 का धांधली केस, इंक्वायरी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान, DRO और RO को जिम्मेदार करार दे दिया, कहा अफसरान की नाअहली से इलेक्शन सबोताज हुआ। और T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी, न्यूजीलैंड ने 52 रन से नामीबिया को शिकस्त दे दी। कीवी सेमीफाइनल में रिसाई के लिए एक कदम की दूरी पर। दूसरे मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया, सेमीफाइनल में रिसाई के इम्कान बढ़ गए। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज स्टूडियो से, फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम, ऐसे नहीं चलेगा, देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।